गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टीम टर्बाइन गवर्निंग के बारे में. ओके, तो एक्चुअल में गवर्निंग है क्या, उसके बारे में सबसे पहले डिस्क्राइब करेंगे हम लोग. तो इससे पहले हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वैसे उसकी बात करते हैं वैसे. ओके, तो इसके पहले के जो लेक्चर्स है उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था वैसे. ओके, तो रिएक्शन टर्बाइन के बारे में और कंपैरिजन बिटवीन इम्पल्स एंड इंपल्स टर्बाइन एंड रिएक्शन टर्बाइन. ओके, तो जो कंपैरिजन डिस्कस किया था और रिएक्शन टर्बाइन के बारे में ब्रीफली डिस्कस किया था वैसे. आज का जो हमारा टॉपिक जो पूरा का पूरा है वो रहने वाला है स्टीम टर्बाइन गवर्निंग के बारे में. बरोबर, तो स्टीम टर्बाइन गवर्निंग एक्चुअल में है क्या. ओके, तो समझो द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग द स्पीड ऑफ टर्बाइन का समझो द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग द स्पीड ऑफ टर्बाइन कॉन्स्टेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ द वेरिएशन ऑफ लोड ऑन टर्बाइन इज नोन एज अ गवर्निंग ऑफ टर्बाइन. ओके, तो समझो कि जो लोड कॉन्स्टेंट जो है, ठीक है, टर्बाइन जो कॉन्स्टेंट समझो कि लोड जो टर्बाइन का जो लोड है जो कॉन्स्टेंट है उसको समझो कि गवर्न करना यानी उसको कंट्रोल करना वो गवर्निंग होता है. ओके, इन ऑर्डर टू मेंटेन कॉन्स्टेंट स्पीड अ गवर्नर इज यूज रेगुलेट द सप्लाई ऑफ द स्टीम टर्बाइन. ओके, तो जो स्टीम टर्बाइन की जो समझो कि कॉन्स्टेंट स्पीड है उसको रेगुलेट करना, उसको समझो आज समझो कि हमारा जो फैन होता है, ठीक है, जब हमें ठंड लगती है तो हम लोग क्या करते हैं, रेगुलेटर को कम करके फैन की स्पीड कम करते हैं. यानी जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो स्पीड है वो मेंटेन करने के लिए गवर्निंग मेथड का यूज होता है. ठीक है, तो क्या होता है कि सच द वे, ओके, इन सच द वे दैट द स्पीड ऑफ टर्बाइन इज मेंटेन एट अ कॉन्स्टेंट लेवल अंडर वेरिंग लोड कंडीशन. यानी जैसे लोड बढ़ता है उस हिसाब से हम लोग उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, जैसे लोड कम होता है तो उस हिसाब से हम लोग उसकी स्पीड को कम करते हैं. ठीक है, तो वी आर हैविंग अ different types of throttle, different types of governing of the steam turbine. Like, समझो सबसे पहले बात करते हैं throttle governing की. Okay, तो हमारे पास यहाँ पे करीबन 5 methods हैं. Okay, तो उसकी बात करूँ मैं तो सबसे पहले जो है वो throttle governing है. दूसरी जो है वो है nozzle control governing, then bypass governing, then combination of throttle and nozzle, and then combination of throttle and bypass governing. Okay. तो ये समझो कि जो मैंने डिस्कस किया कि स्टीम टर्बाइन गवर्निंग इज द प्रोसीजर टू कंट्रोल द फ्लो रेट ऑफ द स्टीम इनटू द स्टीम टर्बाइन. ओके, सो एज वेल मेंटेन इट्स स्पीड ऑफ रोटेशन एज अ कांस्टेंट. ओके, तो उसकी स्पीड और रोटेशन को कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए समझो गवर्निंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है. ओके, द वेरिएशन इन लोड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द स्टीम टर्बाइन कैन हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द इट्स परफॉर्मेंस. ओके, तो क्या होता है कि समझो कि द वेरिएशन ऑफ लोड ड्यूरिंग द ऑपरेशन. ओके, तो समझो ऑपरेशन के जब हम लोग टर्बाइन का यूज करते हैं तो उसके यहाँ पे क्या होता है कि डिपेंड्स हर एक टाइम पे कांस्टेंट स्पीड पे उसको चलाने की जरूरत नहीं भी पड़ती है. ठीक है, तो उसकी स्पीड को चेंज करने के लिए ये गवर्निंग सिस्टम का यूज होता है. ओके, इन अ प्रैक्टिकल सिचुएशन द लोड फ्रीक्वेंटली वेरीज फ्रॉम द डिजाइनड और इकोनॉमिकल लोड and thus okay the load जो यहाँ पे जो load है वो समझो कि जरूरत पड़ती है कि हम लोग practical situation में देखें तो load है जो है वो depends हमारे हिसाब से समझो कि उसको जरूरत पड़ती है बढ़ाने और घटाने की. okay, ठीक है, और economical load then thus there always exists a considerable deviation from the desired performance of the turbine. Okay, तो उसको समझो कि कम या ज्यादा करने की जरूरत पड़ती है. Okay, the primary object in the steam turbine operates is to maintain a constant speed of rotation irrespective of the bearing load. Okay, तो यहाँ पे जो primary यहाँ पे सबसे पहला objective हमारा ये है. Okay, steam turbine को constant speed पे चलाना. Okay, लोड बढ़े या घटे, ओके, दोनों कंडीशन में उसको कांस्टेंट स्पीड पे चलाना. ओके, दिस कैन बी अचीव बाय मीनिंग ऑफ गवर्निंग इन अ स्टीम टर्बाइन. ओके, तो समझो कि ये जो पूरी सिस्टम है उसमें क्या होता है कि जो टर्बाइन का लोड है वो हम लोग को समझो कि उसका कांस्टेंट स्पीड पे चला के हम लोग इसके लोड को बढ़ाया घटा सकते हैं बाय मीनिंग इसको बोलते हैं गवर्निंग इन अ स्टीम टर्बाइन. ओके, द प्रिंसिपल मेथड आर यूज फॉर गवर्निंग आर डिस्क्राइब बिलो. ओके, तो गवर्निंग के लिए यहाँ पे जो कुछ मेथड्स है वो हम लोग डिस्कस करते हैं पहले. ओके, टर्बाइन गवर्निंग. ओके, यानी ये पूरा का पूरा जो हम लोगों ने डिस्कस किया वही है. ओके,
the steam flow through the control valves is proportional to the valve opening and opening range. Okay, so where, so when the position changes, okay, turbine steam flow changes and turbine power output also change the proportionally. Okay, so what is turbine ki speed or power ka jo changes kiya jata hai pura. Thus the governing system change the turbine mechanical power output. Okay, so governing system jo hai wo turbine ka mechanical power ka power output ko change karta hai. Theek hai. तो सबसे पहली जो गवर्निंग मेथड है वो है थ्रोटल गवर्निंग. ओके, तो यहाँ पे कुछ फिगर हमको यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपसे, थ्रोटल गवर्निंग के फिगर है ये. ओके, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं थ्रोटल गवर्निंग के बारे में. ओके, तो जो गवर्निंग ऑफ स्टीम टर्बाइन है वो जीटीयू में बार बार पूछा जाता है. वैसे ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ओके, जीटीयू में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है. ओके, तो समझो कि सबसे पहले बात करते हैं हम लोग थ्रोटल गवर्निंग के बारे में. ओके, इन थ्रोटल गवर्निंग द प्रेशर ऑफ स्टीम इज रिड्यूस्ड बाई passing the steam through the restricted passage like throttle valve. Okay, तो क्या होता है समझो, अभी हम लोग सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करते हैं उसकी फिगर के बारे में. ओके, ओके, तो यहाँ पे देखो कुछ यहाँ पे मैकेनिज्म दी हुई है. ओके, तो सबसे पहले ये जो हमारे है ये वो बेवेल गेज है. ओके, ये स्लीव्स है. ओके, ये हमारे फ्लाई बॉल्स है. ओके, तो क्या होता है जैसे जैसे यहाँ पे टर्बाइन की स्पीड, देखो ये जो हमारे बेवल गियर्स है वो टर्बाइन की शाफ्ट के साथ कनेक्टेड है यहाँ पे. ओके, टर्बाइन की जो मेन शाफ्ट है उसके साथ कनेक्टेड है. ठीक है, तो क्या होता है जैसे जैसे टर्बाइन की स्पीड यहाँ पे बढ़ती है, समझो यहाँ पे टर्बाइन की स्पीड जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है बेवल गियर जो है उसका रोटेशन फास्ट हो जाता है. यहाँ पे देखो ये मैं अभी रेड लाइन में जो दिखा रहा हूँ वो बेवल गियर का रोटेशन फास्ट होता है. तो वो बेवल गियर के थ्रू यहाँ पे क्या होता है कि ये जो बेवल गियर के थ्रू यहाँ पे एक वर्टिकल शाफ्ट यहाँ पे दिख रहा है हमको यहाँ पे. ओके, तो ये शाफ्ट है वो भी फुल, यानी समझो कि फुल फ्लैश में रोटेट करता है. ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे कि जैसे जैसे ये शाफ्ट हमारा रोटेट होता है ये शाफ्ट, ओके, वैसे वैसे यहाँ पे जो फ्लाई बॉल्स हमारे जो है ये दोनों फ्लाई बॉल्स बराबर वो क्या होगा यहाँ पे स्लीव है यहाँ पे. ओके, तो वो यहाँ पे ये भी स्लीव है यहाँ पे. ठीक है, तो वो फ्लाई बॉल्स क्या करेगा धीरे वो ऐसे ऊपर की तरफ रोटेट करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा. देखो यहाँ पे मैं लाइन में दिखा रहा हूं कंप्लीटली आपको. ओके, तो ये फ्लाई बॉल्स है वो ऊपर की तरफ जाएंगे. तो ऐसा क्यों, ये बॉल्स ऊपर की तरफ कैसे जाएंगे उसके बारे में बात करते हैं. ओके, तो जैसे जैसे समझो ये बेवल गियर घूमेगा यानी बेवल गियर रोटेट होगा उसके हिसाब से यहाँ पे ये जो दूसरा बेवल उसके साथ में है वो भी रोटेट करेगा. तो ये सेंटर शाफ्ट जो है वो भी रोटेट करेगी. तो उसके कारण ये होता है कि ये रोटेशन होने के कारण ये बॉल्स है यहाँ पे. ओके, ओके, वो ऊपर की तरफ जाएंगे. कैसे, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल एक्शन क्रिएट होगा. सेंट्रीफ्यूगल यानी जो सेंटर से वो दूर की तरफ जाने का ट्राई करेंगे, ये सेंट्रीफ्यूगल एक्शन पूरा का पूरा होगा. तो उसके कारण क्या होगा यहाँ पे जो स्लीव है ये जो स्लीव है बराबर वो भी ऊपर की तरफ जाएगी. जैसे बॉल ऊपर जाएंगे तो ये स्लीव को वो ऊपर की तरफ करेंगे. ठीक है, उसके कारण यहाँ पे क्या होता है जैसे वो फास्ट तो यहाँ पे क्या एक फलक्रम है. फलक्रम कैसा होता है समझो कि फलक्रम कैसा होता है अगर ये इस तरीके का होता है समझो. ठीक है, अगर ये पोर्शन ऊपर जा रहा है ठीक है तो ये पोर्शन नीचे की तरफ जाएगा. ठीक है, तो फलक्रम का काम क्या है वो ऑपोजिट डायरेक्शन देना. समझो ये समझो कि ये लीवर लीवर जैसा काम करता है. हम लोग जैसे बाइक में गियर लगाते हैं तो गियर में कैसा होता है बाइक में अगर हम लोग जैसे गियर लगाते हैं ओके तो उसमें किस हिसाब से होता है ये समझो हमारा बाइक का ये गियर पैडल है हमारा ऐसा ऐसा पैडल होता है. ठीक है, ओके, तो अगर हम यहाँ से पीछे का गियर लगाते हैं बराबर तो ये ऊपर का पार्ट ये पार्ट है जो वो नीचे की तरफ जाता है. ठीक, तो उस हिसाब से जैसे यहाँ पे लीवर जैसा है और ये फलक्रम है बीच में सेंटर में. ओके, तो क्या होता है जैसे जैसे स्लीव ऊपर की तरफ जाएगी यहाँ पे बॉल हमारे ऊपर जाएंगे तो स्लीव भी ऊपर की तरफ जाएगी यहाँ पे. ठीक है, तो उसके कारण यहाँ पे जो वाल है यहाँ पे देखो ये मेन वाल है हमारा. ओके, ओके, तो ये वाल है वो नीचे की तरफ जाएगा. ठीक है, और ये वाल गैप में वो धीरे धीरे सेट होता जाएगा. ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है कि अभी समझो कि अभी नॉर्मल कंडीशन है अभी टर्बाइन समझो कि एक नॉर्मल स्पीड पे रोटेट कर रहा है. ठीक है, तो क्या होता है कि जो स्टीम है ये हमारा यहाँ पे देखो ये दिख रहा है. ओके, ये हमारा स्टीम पैसेज है यहाँ पे. यहाँ से जो स्टीम जो बॉयलर में से जो स्टीम आती है वो यहाँ से आती है और अभी क्या है कि वो टर्बाइन में
गैप में से पूरा का पूरा टर्बाइन में जाती है, ठीक है। ये अभी जो पैसेज है, जो टर्बाइन में जाने के लिए जो पैसेज है वो ओपन है, 100% ओपन है, ठीक है। जैसे जैसे समझो कि स्पीड, जैसे जैसे स्टीम जाएगी, ठीक है, अंदर टर्बाइन के अंदर, तो क्या होता है, टर्बाइन की स्पीड बढ़ेगी ऑटोमेटिकली और बस स्टीम के कारण टर्बाइन रोटेट करने लगेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे टर्बाइन की स्पीड अगर हाई समझो बढ़ती जाएगी, सर्टेन लिमिट से ज्यादा स्पीड बढ़ती जाएगी, ठीक है, तो ये जो फ्लाई बॉल्स है वो वर्क करना शुरू कर देंगे। अभी जस्ट मैंने दिखाया कैसे फ्लाई बॉल वर्क करते हैं, ठीक है, कि जैसे जैसे बेवल गियर रोटेट फास्ट करेगा, बराबर बेवल गियर रोटेट करेगा, उसके हिसाब से वो फ्लाई बॉल भी रोटेट करेगा, तो फ्लाई बॉल ऊपर की तरफ वो मूवमेंट करेगा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या होता है, ये वाल जो है, बराबर यहाँ पे जो ये जो है फलक्रम के कारण, अभी भी जस्ट मैंने फलक्रम का पूरा आपको एक सेटअप दिखाया था, बराबर, तो फल ये जो वाल है वो नीचे की तरफ आएगा, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है कि वाल और जो स्टीम पैसेज जो है वो दोनों टैपर एरिया में होते हैं, ठीक है, थीके? तो वो टैपर एरिया में वाल फिट हो जाएगा, ठीक है, और धीरे धीरे वो एरिया को कम करता जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या होता है कि स्टीम का ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या होगा, स्टीम जो है एक जो गैप में से जा रही है यहाँ से स्टीम हमारी, बराबर टर्बाइन में, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, ठीक है। और जैसे जैसे स्पीड टर्बाइन की कम होगी, अभी हम लोग रिवर्स सोचते हैं, ठीक है, जैसे जैसे टर्बाइन की स्पीड कम होगी तो क्या होगा, यहाँ पे जो बॉल्स है फ्लाई बॉल्स वो नीचे की तरफ आएंगे ऑटोमेटिकली, बराबर, जैसे जैसे वो रोटेशन कम होगा तो उस हिसाब से हमारे जो फ्लाई बॉल्स है वो नीचे की तरफ आएंगे, तो वो लीवर को ऊपर की तरफ, यानी समझो कि वो लीवर को, ये हमारा फलक्रम है, ठीक है, ओके। तो अगर समझो कि यहाँ पे लोड आएगा, बराबर, तो वो लीवर को ऊपर की तरफ उठाएगा, यहाँ पे जो है, बराबर, तो वो वाल को ऊपर की तरफ उठाएगा, तो ऑटोमेटिकली स्टीम पैसेज जो है, जो स्टीम यहाँ पे टर्बाइन में जा रही है, वो गैप बड़ा हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली स्टीम यहाँ पे टर्बाइन में जाएगी, तो उसके हिसाब से पूरा टर्बाइन फिर से वो फास्ट रोटेट करेगा, यानी पूरा का पूरा फिगर मैंने अभी आपको जस्ट डिस्कस किया, ओके। तो अभी हम लोग बात करते हैं इन थ्रॉटल गवर्निंग, द प्रेशर ऑफ स्टीम इज रिड्यूस बाई पासिंग द स्टीम थ्रू द रिस्ट्रिक्टेड पैसेज। अभी मैंने रिस्ट्रिक्टेड पैसेज यहाँ पे दिखाया था कि जो यहाँ पे जो स्टीम है वो रिस्ट्रिक्टेड पैसेज में से पास हो रही है, ठीक है, लाइक अ थ्रॉटल वाल्व, ओके, व्हिच इज कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर। ये जो गवर्नर जो है वो हमारा सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर, भी जस्ट मैंने डिस्कस किया कि सेंट्रीफ्यूगल यानी जो बॉल्स है वो जैसे रोटेशन के हिसाब से वो ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी सेंटर को वो दूर करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल यानी केंद्र त्यागी, ओके, उसको, सो दैट, सो एज द मेंटेन स्पीड कॉन्स्टेंट एट द पार्ट लोड, ओके, जैसे पार्ट लोड होगा तो वो कॉन्स्टेंट स्पीड को मेंटेन करता है। द थ्रॉटल गवर्निंग इज वाइडली यूज ऑन अ स्मॉल टर्बाइन बिकॉज ऑफ इट्स लो कॉस्ट एंड सिंपल मैकेनिज्म। यहाँ पे पूरी की पूरी जो मैकेनिज्म है बहुत सिंपल है और वो छोटे टर्बाइन में कॉन्स्टेंटली यूज होता है, ठीक है। इन टर्बाइन्स ऑफ द स्मॉल पावर प्लांट द वाल आर लाइट एंड फोर्स ऑन वाल्स ड्यू द स्टीम, ये समझो उसके फीचर्स बताए हुए वैसे, ओके, स्टीम फ्लो आर नेग्लिजिबल, सो द गवर्नर मे बी यूज टू एक्यूएट द वाल डायरेक्ट directly, okay. For the large steam turbine, there is considerable friction at the valve and oil operates the relay. यहाँ पे relay और सब कुछ का use हो रहा है, ठीक है? To magnify the small force produced by the governor. यानी ये जो चीजें हैं, ठीक है? वो समझो कि ये पूरी की पूरी यहाँ पे जो ये जो theory है, वो उसमें बताई गई है, जो मैंने बताई अभी theory की पूरी, okay? उसमें बताई गई है, ऐसे, okay? Okay. यानी कौन सी तरीके का lever use किया हुआ है, सब कुछ, the differential lever is attached to the one end of the governor sleeve and the other end is attached to the throttle valve. Okay, just मैंने दिखाया अभी. तो differential lever है, जो एक end है वो किसके साथ connected है? One end जो governor की sleeve के साथ connected है, एक end, और दूसरा जो end है वो valve के साथ connected है, यानी throttle valve के साथ यहाँ पे connected है, okay? Okay. The differential lever is attached to the पायलट वाल स्पिंडल, ओके, द पायलट वाल आर टू स्मॉल पिस्टन हैव, जो कि वाल आर टू स्मॉल पिस्टन वाल व्हिच कन्वर्ट्स द टू पॉट्स इन ऑयल चैम्बर, ओके। तो यहाँ पे जो स्लीव का डिफ्लेक्शन है, एनी डिफ्लेक्शन ऑफ द स्लीव कॉजेस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पायलट, ओके, तो अभी बात करें
इफ द लोड ऑन अ टर्बाइन इज रिड्यूस्ड द टर्बाइन विल स्टार्ट टू रोटेट एट अ हायर स्पीड. अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया क्योंकि समझो कि जो लोड हमारा अगर समझो कि रिड्यूस होगा तो वो टर्बाइन जो है वो हमारा फास्ट, क्योंकि लोड कम होगा तो वो बॉल्स नीचे की तरफ आएंगे, और मैंने अभी जस्ट बताया कि वो बाल को ऊपर की तरफ खींचेंगे तो वो स्टीम पैसेज बढ़ जाएगा. ओके okay? तो उसके कारण टर्बाइन विल स्टार्ट टू रोटेट एट हायर स्पीड एंड इंक्रीज स्पीड ऑफ टर्बाइन शाफ्ट. ओके, और टर्बाइन शाफ्ट की स्पीड को बढ़ाएंगे. कॉज द फ्लाई बॉल्स टू गो अप ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ओके, हेंस द गवर्नर स्लीव विल मूव अपवर्ड एंड दिस कॉज द पायलट पिस्टन टू मूव अपवर्ड. ओके, द अपवर्ड मोशन ऑफ द पिस्टन्स अलाउ द हायर प्रेशर टू द ऑयल एंटर्स ऑन द टॉप साइड. ओके, तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो समझो कि ऑयल का जो है यहाँ पे जैसे जैसे समझो कि हायर स्पीड होगी तो उस हिसाब से ऑयल के वाल भी ओपन हो जाएंगे. ओके, वो भी ये सेंट्रिफ्यूगल गवर्नर के साथ कनेक्टेड होता है. ठीक है, तो यानी पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो थ्रोटल गवर्निंग सिस्टम है. ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा जो है वो है ओके वो नोजल कंट्रोल गवर्निंग के बारे में. थ्रोटल गवर्निंग का जो अभी जस्ट मैंने जो पूरा का पूरा डिस्कस किया वो ये पूरा थियरी यहाँ पे दिया हुआ है मैंने. ओके, अभी हम लोग सेकंड गवर्निंग के बारे में बात करेंगे, वो है नोजल गवर्निंग के बारे में. ओके, तो अभी जब सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे नोजल गवर्निंग. ओके, तो नोजल गवर्निंग है क्या उसके बारे में. तो यहाँ पे क्या है कि देखो ये हमारा पूरा का पूरा टर्बाइन का केसिंग है वैसे. ओके, ये जो हम लोग यहाँ पे ये जो है हमारा राउंड में जो दिख रहा है वो हमारा टर्बाइन का केसिंग है. ठीक है, और उसमें क्या होता है कि यहाँ पे समझो कि नोजल के कुछ सेट लगे हुए हैं. ये जो है हमारा नोजल सेट नंबर वन, ये जो है वो नोजल सेट नंबर टू, और ये सब ये थ्री और टू नोजल सेट नंबर टू. ओके, वन टू एंड थ्री, तीन सेट यहाँ पे लगे हुए हैं नोजल के. ओके, तो ये समझो कि फिगर की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे जो है वो हमारे ये वाल वी, ये जो है हमारा वी वन, ये है वी थ्री और ये वी टू. यानी जो नोजल के साथ जो वाल कनेक्टेड है वो वाल नंबर मैंने यहाँ पे दे दिया है. ये हमारे वाल्स है, ये जो दिख रहा है मैं अभी इसमें जो कर्सर से सब कुछ मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, ये हमारे वाल्स है वैसे. ओके, तो यहाँ पे क्या होता है समझो कि सबसे पहले कि जैसे समझो कि जब स्टीम जो है वो हमारी यहाँ से एंटर होती है. ठीक है, स्टीम हमारी यहाँ पे नीचे के एरिया से यहाँ पे एंटर हो रही है. ठीक है, और वो समझो कि अभी जब नॉर्मल कंडीशन में हमारा समझो कि जो हमारा पूरा टर्बाइन है नॉर्मल स्पीड पे है. ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हर सबके सब पैसेज जो है वो नोजल नंबर वन टू और थ्री, यानी समझो तीनों वाल जो हमारे है वो ओपन होते हैं और वो हर एक नोजल नंबर वन टू और थ्री को स्टीम सप्लाई करते हैं. ठीक है, तो समझो कि जब हमारा आइडियल कंडीशन में नॉर्मल कंडीशन में हमारा गवर्नर है तब. ओके, तो दिस मेथड इज मोर डिफिकल्ट देन थ्रोटल गवर्निंग. सबसे पहले कि ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है थ्रोटल गवर्निंग के कंपैरिजन में. ओके, तो समझो कि क्या होता है कि थ्रोटल गवर्निंग एज इन दिस मेथड मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम इज रेगुलेटेड रादर देन द रेगुलेटिंग द स्टीम प्रेशर. तो यहाँ पे क्या है कि स्टीम प्रेशर को हम लोग रेगुलेट नहीं करते, हम लोग जो फ्लो रेट है उसको रेगुलेट करते हैं वाल के थ्रू. ओके, इट्स हैज एडवांटेजेस ऑफ द यूजिंग स्टीम एट फुल बॉयलर प्रेशर एंड रिडक्शन इन अ स्टीम कंजप्शन एट द पार्ट लोड. ओके, तो यहाँ पे एक बेनिफिट ये है कि जब जब पार्ट लोड का कंडीशन होती है, जब जब कम लोड की कंडीशन होती है, तब हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, हम लोग इसमें समझो कि जो स्टीम का जो कंजप्शन है वो कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, रिडक्शन कर सकते हैं. ठीक है, स्टीम का जो हमारा जो स्टीम का जो कंजप्शन है वो कम कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे क्या है कि कुछ यहाँ पे भी बात करते हैं. ओके, नोजल गवर्निंग, इन नोजल गवर्निंग द फ्लो रेट स्टीम इज रेगुलेटेड बाय द ओपनिंग एंड शटिंग ऑफ द सेट्स ऑफ नोजल रादर देन द रेगुलेटिंग द प्रेशर. ओके, इन दिस मेथड ग्रुप ऑफ टू और थ्री नोजल और मोर नोजल सेट्स. ओके, from the sets and each set is controlled by the separate valve. यहाँ पे हर एक जो नोजल का सेट है वो मैंने अभी जस्ट कंट्रोल वाल की बात करी तो वहां से कंट्रोल होता है. ओके,
the actuation of the individual valve closes the corresponding side of the nozzle nearby the controlling the flow rate. Okay, तो यहाँ पे क्या होता है कि requirement के हिसाब से यहाँ पे valve number one, ये one है, ये two है और three है. Okay, तो load के हिसाब से उसको ओपन और क्लोज किया जा सकता है. ओके, द एक्चुएशन ऑफ द इंडिविजुअल वाल्व क्लोज द कॉरस्पॉन्डिंग सेट ऑफ नोजल देयर बाय कंट्रोलिंग द फ्लो रेट. ओके, तो जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे वाल्व को क्लोज करेंगे उस हिसाब से यहाँ पे क्या होगा कि जो फ्लो जो वाल्व में से जो फ्लो होने वाला है हमारा जो स्टीम, हम लोग यहाँ पे स्टीम के फ्लो रेट को कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है, द नंबर ऑफ नोजल्स supplying the steam to the turbine is divided into groups. Okay, N1, N2, N3. मैंने दिखाया अभी nozzle number one, N1. ये N1 है, ये N3 है, ये N2 है. Okay, ऐसे ही valve one, V1, V2, V3. Okay, हम लोग यहाँ पे figure में देख रहे हैं. The number of nozzle groups may vary to 3 to 5. यहाँ पे 3 से 5 group में nozzle होती है. When the load is on turbine decrease, the required number of nozzle can be shut off. Okay, जैसे जैसे जो लोड कम होता है तो जो जरूरत के हिसाब से हम लोग एक नोजल को बंद कर सकते हैं. तो नोजल कंट्रोल गवर्निंग इज रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट स्टेज ऑफ द टर्बाइन. ओके, तो नोजल कंट्रोल गवर्निंग इज रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट स्टेज ऑफ द टर्बाइन. द नोजल एरिया इन अदर स्टेजेस रिमेनिंग कॉन्स्टेंट. ओके, इट इज सुटेबल फॉर द सिंपल इम्पल्स टर्बाइन and for larger unit which have impulse turbine stage forward by the an action turbine. Okay, by an reaction turbine. In a reaction turbine, pressure drops in moving blades and full admission of steam is necessary. Okay, तो अभी just मैंने discuss किया कि यहाँ पे ये जो governing system है वो nozzle को, इसमें steam flow rate को control करती है और जो nozzle में जो steam pass हो रही है वो उसको supply, यहाँ पे भी समझो initial stage में सब जगह से supply steam का चालू है, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से. ठीक है, जैसे जैसे समझो कि अगर समझो कि लोड हमको कम रिक्वायरमेंट है तो ये पूरा का पूरा सेट हम लोग क्लोज कर सकते हैं. तो यहाँ भी दो जगह से ही सप्लाई अभी चालू है. ठीक है, और समझो कि और लोड कम हो गया. ठीक है, तो हम लोग उसको ये दो जगह बंद कर सकते हैं और उस सिर्फ एक ही जगह से, यानी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरा का पूरा लोड को हम लोग यहाँ पे समझो कि सेट कर सकते हैं. और उस स्टीम की जो यहाँ पे जो स्टीम है जो बार बार स्टीम को हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं और रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्टीम को भेज सकते हैं. ओके, तो आज के लिए इतना हम लोग नोजल कंट्रोल गवर्निंग के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया. और बार बार नोजल कंट्रोल गवर्निंग पूछा गया है जीटीयू में. ओके, और काफी टाइम समझो कि डिफरेंस बिटवीन थ्रोटल एंड नोजल गवर्निंग पूछा हुआ है, तो हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस को डिस्कस कर लेते हैं. ओके, तो यहाँ पे क्या है, थ्रोटल गवर्निंग और नोजल कंट्रोल गवर्निंग के बारे में बात करते हैं. ओके, तो स्पीड ऑफ द टर्बाइन इज रेगुलेट बाय द वेरिंग स्टीम प्रेशर. ओके, तो यहाँ पे स्टीम प्रेशर को हम लोग वेरी करते हैं. ओके, और दूसरा नोजल कंट्रोल में क्या करते हैं, हम लोग कंट्रोलिंग द मास ऑफ फ्लो रेट. ओके, और स्टीम प्रेशर इज रिड्यूस बाय द थ्रोटलिंग. कहाँ पे थ्रोटल कंट्रोल गवर्निंग में हम लोग क्या करते थे कि हम लोग स्टीम प्रेशर रिड्यूस करते थे बाय थ्रोटलिंग प्रोसेस. और यहाँ पे यूज स्टीम फुल बॉयलर प्रेशर. ओके, हम लोग यहाँ पे फुल बॉयलर प्रेशर यहाँ पे यूज करते. ओके, तो समझो जो थ्रोटल कंट्रोल गवर्निंग है वहां पे थ्रोटलिंग लॉस ज्यादा है और थ्रोटल और यहाँ पे नोजल कंट्रोल में थ्रोटलिंग लॉस नेग्लिजिबल है, बहुत ही कम है ऐसा. और समझो कि इट इज एम्प्लॉयड इन बोथ इम्पल्स एंड रिएक्शन टर्बाइन. थ्रोटल कंट्रोल गवर्निंग जो है वो दोनों इम्पल्स और रिएक्शन में यूज, और जो नोजल कंट्रोल गवर्निंग है वो हम लोग सिर्फ इम्पल्स टर्बाइन में ही यूज करते हैं. ओके, देयर एफिशिएंसी ऑफ थ्रोटल गवर्निंग इज लेस, नोजल कंट्रोल की एफिशिएंसी ज्यादा है. ओके, और जो थ्रोटल कंट्रोल गवर्निंग है हम लोग जस्ट डिस्कस किया था कि स्मॉल टर्बाइन के लिए हम लोग यूज करते हैं. ओके, और ये मीडियम और लार्ज के लिए नोजल कंट्रोल हम लोग यूज करते हैं जनरली. ओके, तो हम लोगों ने डिफरेंस भी चेक कर लिया कि क्या क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, वो बार बार पूछा जाता है. ठीक है, अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे वो है बाईपास गवर्निंग के बारे में. ओके, तो आज के लिए इतना काफी है. ओके, थैंक यू फ्रेंड.